अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टेंग्स किचन। आज हम बनाएंगे गवार की फल्ली का सालन। इसको हम फल्ली की बीन्स लगा के बनाएंगे। ग्रेवी बहुत अच्छी रहती है इसकी, तो इसके लिए मैं फल्ली को तोड़ के इस तरह से तोड़ के धो के रख लेना। अब हम कुकर गरम कर लेंगे। अब हम इसमें तेल डालेंगे, कुकिंग ऑयल। एक छोटी साइज़ की प्याज काट के डाल देंगे हम इसमें। हल्का कलर चेंज होने तक इसको हम प्याज को पका लेंगे, तल लेंगे तेल में। अगर आप गवार की फली बना रहे तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 स्पून। भून लेंगे अदरक लहसुन को हम। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 स्पून से भी कम। इसको भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहे तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट हरी मिर्ची डालने से आता है वो टेस्ट लाल मिर्ची डालने से नहीं आता। हरी मिर्ची डाल के, हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अच्छा भून लेंगे हरी मिर्ची को भी। अब हम इसमें जो फल्ली तोड़ के धो के रख ली थी वो ऐड कर देंगे। अच्छा मिला लेंगे हम फल्ली डालने के बाद में। कुछ देर फल्ली को इसी तरह से तेल में भून लेना। मेथी की भाजी डाल देंगे 1 मुट्ठी जितनी। ऑप्शनल है ये, अगर नहीं डालना चाह रहे आप तो मत डालें, लेकिन टेस्ट अच्छा था ये डालने से भी। अब हम फल्ली को भून के ले लेंगे। फल्ली भुने गई, अब हम इसको निकाल के ठंडा होने के बाद में छील के पाउडर बना के ले लेंगे। फली अच्छे से भुनेगी, ये देखिए पाउडर भी बन गया। इसमें हम पाउडर मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। कुछ देर के लिए फल्ली डालने के बाद भून लेना हम उसको, कुछ देर तक के लिए। ये देखिए अच्छी अच्छी तरह से फल्ली को भून ली मैं तेल में। अब हम इसमें पानी डाल देंगे गलने के लिए। पानी डाल के कुकर का ढक्कन लगा के हम थोड़ी सी कोथमीर काट के डाल देंगे हम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के फल्ली गलने तक पका लेंगे। अभी हम चेक कर लेंगे फल्ली गल गई या नहीं गली। ये देखिए अच्छा तेल आ गया प्रॉपर, चेक कर लेंगे हम। फल्ली भी अच्छे से गल गई।
और इसकी ग्रेवी भी बराबर है मेरे लिए, अगर आप इसको और लूज़ रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी, हैदराबादी गवार की फली, फली की बीन्स लगा के। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।